श्रीनाथ क्रिएशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कैरेमल ब्रेड पुडिंग बनाएंगे। ये बच्चों की सबसे फेवरेट पुडिंग है। इसी सेम पुडिंग बनाने के लिए ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 1/4 कप जितनी शुगर लेनी है और इसे हमें कैरेमलाइज करनी है। गैस की फ्लेम को हमें स्लो और मीडियम के बीच में रखना है। अगर फास्ट गैस पे करेंगे तो हमारी चाशनी ज़्यादा हो जाएगी और वो कड़वी हो जाएगी तो पुडिंग हमारा बिगड़ जाएगा। तो उसकी वजह से हमें गैस की फ्लेम को स्लो मीडियम रखना है और इसे तब तक चलाते रहना है जब तक कि इसमें जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी शुगर सब मेल्ट हो गई है और ये लिक्विड फॉर्म में आ गई है। तो इसे हमें जो पुडिंग के लिए हमने पैन लिया है वो 6 इंच डायमीटर का है। तो ये कैरेमलाइज हुई चाशनी है, इसे हमें 6 इंच का हमारा पुडिंग का पैन है इसमें ट्रांसफ़र करके इसे अच्छे से स्प्रेड करना है और जो भी करना है वो थोड़ा क्विकली करना है क्योंकि ये चाशनी एकदम क्विकली जम जाती है। तो हमें ये प्रोसेस फास्ट करना है। स्प्रेड करने के बाद इसे हमें ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। मैंने 6 बड़े साइज के ब्रेड लिए हैं। अगर आप छोटे साइज़ के ब्रेड लेंगे तो उसका मेज़रमेंट थोड़ा अलग रहेगा। तो ये मैंने बड़ी साइज़ की जो ब्रेड ली है वो हिसाब से मैंने मेज़रमेंट दिया है। तो ब्रेड के हमें सब साइड्स निकाल देने हैं और ये सभी ब्रेड के हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और टुकड़े करके इसे हमें ग्राइंड करना है। अब एक मिक्सिंग जार में ये सब ब्रेड पीस हम डालेंगे और इसे हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। पुडिंग बनाने के लिए सबसे ज़रूरी आइटम है कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। तो इसे हमें एक बाउल में निकाला है और उसमें हमें आधा कप जितना नॉर्मल पानी डालना है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम पुडिंग बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हम 1.5 कप जितना मिल्क डालेंगे। मिल्क आप फुल फैट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद इसमें 3/4 कप जितनी शुगर डालनी है। जैसे ही मिल्क उबल जाए तब इसमें हम कस्टर्ड का मिक्सर हमने जो बनाया था वो इसमें हम डाल देंगे। अब इसे हमें मीडियम गैस पे नॉन स्टॉप इसे चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना हो जाए। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो या तो ये नीचे से बैठ जाएगा या फिर इसमें लम्स होने लगेंगे। तो इसे हमें नॉन स्टॉप इसे चलाते रहना है और शुगर की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो गई है तो इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट करने के लिए, थोड़ी लूज करने के लिए इसमें हमें वाटर या मिल्क कुछ भी डालना है। आप आपके हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने 1 कप वाटर डाला है और इसे अच्छे से मिक्स किया है। ये थोड़ा लूज होगा तो इसमें ब्रेड क्रम्स इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। पुडिंग की कंसिस्टेंसी लूज हो गई है और अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे। लेकिन हमें एक साथ ब्रेड क्रम्स नहीं डालने हैं, थोड़े थोड़े करके हम डालेंगे और ग्रेजुअली इसे मिक्स करते रहेंगे। ऐसे नॉन स्टॉप इसे चलाते रहेंगे, थोड़े थोड़े ब्रेड क्रम्स डालेंगे। इसे करके हमें सभी ब्रेड क्रम्स को इसमें मिक्स कर देना है और ये सभी को एक सरीखा मिक्स करने के बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, अगर ये चलाते टाइम अगर आपको कंसिस्टेंसी लूज लगे या शुगर कम लगे तो आप मिल्क, वाटर या शुगर कुछ भी इसमें आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पुडिंग हमारा तैयार हो गया है। जो पैन को हमने कैरेमलाइज किया था वो पैन में हमें ये पुडिंग को अच्छे से सेट करना है। पुडिंग की कंसिस्टेंसी सेम हमें ऐसे ही रखनी है और इसके जब हम सेट करते हैं तो अच्छे से प्रेस करके सेट करना है। पुडिंग जब अच्छे से सेट हो जाए फिर इसे हमें फॉइलर से अच्छे से रैप करना है और रबर बैंड या थ्रेड से टाई करना है। अब हमें पुडिंग को ढोकले के माफिक स्टीम देना है। तो इसके लिए एक पैन में पानी और स्टैंड रखेंगे और पुडिंग का पैन हमें स्टीम करने के लिए रखना है। अब इसे हम ढक देंगे और 20 मिनट के लिए इसे स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे। ये फ्लेम को फास्ट ही रखनी है और ये देखिए फ्रेंड, आप 20 मिनट्स हो गई है
और अब हम चेक करते हैं, हमारा पुडिंग स्टीम होके परफेक्टली तैयार हो गया। लेकिन इसे हमें ओपन नहीं करना है, इसे फॉइलर के साथ ही निकालना है, फॉइलर को ओपन नहीं करना है। पुडिंग को हमें रूम टेम्परेचर में नॉर्मल होने के लिए रखना है। जब ये अच्छे से नॉर्मल हो जाए फिर रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। 2 घंटे हो गए हैं और अब हम फॉइलर खोलेंगे। इसके पहले फॉइलर को मैंने ओपन नहीं किया था। अगर आप पहले ओपन करेंगे तो इसमें जो स्टीम है वो बाहर निकल जाएगी और स्टीम इसमें जो कैरमलाइज शुगर को जो इफ़ेक्ट देती है वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो हमें ये पुडिंग को डीमोल्ड करना है। इसके लिए एक प्लेट को उल्टा रखेंगे और पेन को हम पलट के डिश को सीधा कर देंगे और इसे ऊपर से हम टैप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम ये पुडिंग को डिमोल्ड करने जा रहे हैं, लेकिन ये पुडिंग का केक जैसा ही लग रहा है और उसमें जो हमने कैरमलाइज शुगर की थी उसकी इफ़ेक्ट देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रही है। ये फ्रेंड्स, इसमें हमने जो कैरमलाइज शुगर की थी वो मेल्ट हो गई है और चारों ओर इसके आजू बाजू स्प्रेड हो गई है। हमारा कैरमल ब्रेड पुडिंग तैयार हो गया है और ये टेस्ट में और दिखने में दोनों में बहुत ही बढ़िया है और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत सारे कम इंग्रेडिएंट में बना है। जो इंग्रेडिएंट हमारे घर में ऑलरेडी रहते हैं तो ये आप आसानी से घर में बना सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, दिखने में भी ये बहुत ही सुंदर है और उसमें जो ऊपर कैरमलाइज का जो कलर बैठा है उससे इसका लुक ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। अब इसे सर्व करते टाइम इसमें हमने कैरमलाइज का जो सिरप है ऊपर डाल के इसे सर्व करना है। ये डेजर्ट को आप आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये पुडिंग को आप 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। कैरमल ब्रेड पुडिंग आप बनाइए और आपके अनुभव शेयर कीजिए।